हाय दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट अगर आप देख लोगे तो आप एक नया स्किल आज सीख कर जाओगे और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चली जाएंगी, जो भी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे वीडियो का मजा लीजिए। वैसे देखो, जो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वैसे यार, ये जो आपको वर्ड लग रहा है बड़ा वर्ड, ये बहुत बड़ा काम करती है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है आपके क्रिकेट के बैटिंग में, ठीक है, और कैचिंग में आप जो भी करते हो, ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो वैसे देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो गाइस, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि दो हमारे जो बॉडी पार्ट है उसमें से जो दो बॉडी ऑर्गन्स को मतलब कि साथ में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मतलब साथ में और एफिशिएंसली, जैसे मैं यहाँ पर जैसे कि पैर और आँख को एक साथ चला पा रहा हूँ तो वो हो गया आई फुट कोऑर्डिनेशन। अब मैं जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जैसे कि मैं कोई बॉल आ रही है उसको मैं कैच ले रहा हूँ, तो आई और हैंड, ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हुआ। तो इसी तरीके से जब दो पार्ट या दो बॉडी पार्ट्स आपस में साइमल्टेनियसली बहुत एफिशिएंसली काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो गाइस, क्रिकेट में जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अब गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि पावर हिटर्स लोग कैसे मतलब हर बॉल को लगता है कि हर बॉल ही मार देते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसेल और भी बहुत सारे लोग, तो वो उनका क्या होता है कि हर बॉल पर लगता है वो हर बॉल पर ही मार सकते हैं छक्का। तो वो क्यों होता है, तो ये होता है उसकी वजह से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की वजह से। उसके बाद आपने वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग टेक्निक देखोगी कि वो ज़्यादा पैर नहीं निकालते थे, वो सिर्फ थोड़ा सा पैर निकाल के बॉल की तरफ जाते थे और हर बार कनेक्ट करते थे, तो वो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन का कमाल था। अब नॉर्मली गाइस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन यही होता है, जब बैटिंग करते हो आप तो बॉल आती है तो आपको बैट चल जाए, बैट मतलब कि आँख और यहाँ पर जो हाथ है वो चले, हाथ में बैट होता है तो वो चले एक साथ, ठीक है। तो अगर ये आप ठीक कर लेते हो तो आप बॉल को मिस नहीं करते हो, बॉल एकदम आपके पास हर बार आप मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप बॉल को टच कर ही लोगे, और पावर हिटिंग करने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। तो गाइस, अब यहाँ पर जानना पड़ता है कि देखिए, अब मैंने तो ये बता दिया कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन जानते हो ये इम्पॉर्टेंट कैसे, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगता है कि क्या मतलब कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो गाइस, इसके लिए बहुत सारी ड्रिल्स हैं, मैं यहाँ पर वही ड्रिल्स के बारे में बताऊंगा कि ये सब ड्रिल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ड्रिल्स हैं जिससे आप अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर सकते हो। तो नॉर्मली गाइस, जो सबसे पहला ड्रिल, जो पहला ड्रिल आता है वो जो सबसे बेसिक ड्रिल और सबसे बहुत ही मतलब इफेक्टिव ड्रिल है वो है यार कि ये टॉस करना, ठीक है, ड्रिल नंबर वन यही है। अब गाइस बोलोगे कि यार ये तो यार कमाल का, हर बार में यही, तो गाइस ये मतलब ये बेसिक ड्रिल लगती है जरूर लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल है। अगर इसको आप रोज अपने बैटिंग सेशन में 10 मिनट तक कर लेते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ड्रिल नंबर वन है यही है कि यार टॉसअप कीजिए बॉल को बैट से। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो आप खड़े होकर कर सकते हो, उसके बाद आप वॉकिंग करके कर सकते हो ऐसे ऐसे, उसके बाद आप दौड़ के कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर ये नैरो फोकस भी कर सकते हो। तो ये सबसे पहला ड्रिल है आपको अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है तो। अब गाइस, जो ड्रिल नंबर टू है वो है यार ये स्टंप, ठीक है, आप देख सकते हो ये स्टंप है, ठीक है। अब गाइस, नॉर्मली आप बोलोगे ये स्टंप से क्या करना है, तो गाइस स्टंप से आपको बॉल को खेलना है, ठीक है। अब नॉर्मली गाइस यहाँ पर इससे बहुत ही कमाल की हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। अगर आप स्टंप से खेलते हो, ये बड़ा बॉल है, अगर छोटा बॉल होता है तो वो और अच्छा है, उसको क्या कीजिए किसी को फेंकने बोलिए बॉल को और स्टंप से खेलिए। तो अगर आप स्टंप से खेलते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये होता है, ये बहुत ज़्यादा कमाल का ड्रिल है, इसकी बहुत ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल है। तो ये था ड्रिल नंबर टू। अब गाइस यहाँ पर जो ड्रिल नंबर थ्री है, ठीक है, ड्रिल नंबर थ्री है वो है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ ड्रिल नंबर थ्री और ड्रिल नंबर Oh, oh, oh.
आपने देखा यहाँ पर कि ये कुछ इस तरीके से ड्रिल्स थे। अब नॉर्मली गाइज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आप इम्प्रूव कर लेते हो तो क्या होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आप इम्प्रूव कर लोगे तो आपको पावर हिटिंग आराम से कर सकते हो, कहीं भी बॉल अप्रोच करके जब जो मारना शॉट मारना चाहो मार सकते हो। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल की चीज़ है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने ड्रिल्स बताया उसको रोज कीजिए। अगर आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर लेते हो तो अगर आपका फुट मूवमेंट अच्छा नहीं है ना, अगर आप सही से फुट मूवमेंट नहीं कर पाते तब भी आप अच्छी तरीके से खेल लोगे। और अगर आपका फुट मूवमेंट भी अच्छा है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है तब तो वाह वाह हो गए आपके। और मतलब मैं बोलूँगा आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जा सकते हो अगर इसको इम्प्रूव कर लेते हो। तो बस गाइस इतना ही वीडियो था, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।